हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू RMS क्लासेस। सीक्वेंस एंड सीरीज की क्लास में आज हम आगे जो थ्योरम्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वुलजानो वेस्टर्स थ्योरम की थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज हम डिराइव्ड सेट पे बेस्ड कुछ थ्योरम करेंगे। डिराइव्ड सेट इज अ सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। देखिए भाई, फर्स्ट थ्योरम है सेट ए सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। क्लोज सेट हम कर चुके हैं। क्लोज सेट क्या होता है? जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। ओके, सो मैं यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई भी सेट जो क्लोज्ड है, अगर वो क्लोज है तो आपको प्रूव करना है कि वो अपने सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, यानी सेट ऑफ इट्स डिराइव्ड सेट कंटेन्स इन सेट ए। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। लेट ए इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर बी एंड ए क्लोज सेट। ए को हम क्लोज सेट लेके चले हैं और हम ये दिखाएंगे कि ए के सभी लिमिट पॉइंट ए में कंटेन करेंगे। दैट इज हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ए डैश कंटेन्ड इन सेट ए। ए डैश क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। ए का डैश लिया है तो ओके लिमिट पॉइंट। क्लियर? चलिए भाई, यहाँ पे जो हम थ्योरम प्रूव करेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ, यानी कि दोनों पार्ट्स एक साथ प्रूव करेंगे, कन्वर्स पार्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर ए हमारे पास क्लोज सेट है, इफ़ एंड ओनली ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आर में से ए पॉइंट निकाल देंगे, ए सेट के पॉइंट्स निकाल देंगे, सो वो एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। ओके, इफ एंड ओनली इफ आर माइनस ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। क्या डेफिनेशन होती है ओपन सेट की? कि जो अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड होता है उस सेट को हम ओपन सेट कहते हैं। ओके, यहाँ पे अब हम क्या कह रहे हैं कि अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। इफ़ एंड ओनली एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ए, अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ आर माइनस ए में, देन नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन आर माइनस ए, या फिर आप ये कह सकते हो दिस इज कंटेन इन आर माइनस ए। क्लियर? कि एक्स के जो नेबरहुड है वो आर माइनस ए सेट में कंटेन करती है। ओके, दैट मीन्स अगर ये नेबरहुड आर माइनस ए सेट में कंटेन करती है, इसका मतलब इन दोनों की अगर मैं इंटरसेक्शन करती हूँ नॉन एम्प्टी आएगी। एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन, नेबरहुड ऑफ एक्स, इंटरसेक्शन आर माइनस ए, नॉन एम्प्टी। ओके, अगर ये सभी पॉइंट्स, इस सेट के सभी पॉइंट्स आर माइनस ए सेट के साथ, आर माइनस ए हमारे पास एक कंप्लीट सेट है जो कि क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है ना, इस सेट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। सो ए के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगी? एम्प्टी आएगी, क्योंकि जो नंबर कॉम्प्लीमेंट में होते हैं वो सेट में नहीं होते। इफ़ एंड ओनली एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन अगर मैं ए के साथ करूँगी, ये फाई आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करता है, ए में नहीं मिलेगा हमें। क्लियर? सो अगर एक्स के नेबरहुड के साथ इंटरसेक्शन फाई है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन है और मैंने इसमें से एक्स पॉइंट निकाल दिया, ये भी फाई आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि एक्स तो इस सेट में बिलोंग कर रहा है ना, एक्स की नेबरहुड ये है, ए के साथ ऑलरेडी इसके इंटरसेक्शन फाई आ रही है, तो एक्स को निकाल देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ़ एंड ओनली हम क्या कह सकते हैं कि एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, यही होती है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। अगर एक्स लिमिट पॉइंट नहीं है सो एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए के डिराइव्ड सेट में, यानी कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट में एक्स एक डिराइव्ड सेट में बिलोंग नहीं करेगा। ओके, एंड एक्स जो नंबर हमने लिया आर माइनस ए सेट में लिया था हमने, देखिए एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ए, अगर कॉम्प्लीमेंट में है एक्स ए में नहीं मिलेगा। क्लियर? हमने यहाँ पे कहा कि एक्स ए डैश में नहीं मिलेगा क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ए डैश में नहीं जाएगा। एक्स किसका पॉइंट है? आर माइनस यानी ए कॉम्प्लीमेंट का, तो ए सेट में नहीं होगा। ओके,
इफ एंड ओनली हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. इसका मतलब एक्स ना तो ए डैश में है ना ही ए में है. हम यहाँ पे कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ ए डैश सबसेट होगा ए सेट का. क्लियर? कि वो पॉइंट जो ना तो ए डैश में है ना ही ए में है, इसका मतलब ए डैश ए का सबसेट हो सकता है. ये तो हमें प्रूव करना था कि ए डैश कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट. अगर ए डैश ए में कंटेन ए का सबसेट है, दैट मीन्स वी कैन से दैट इफ एंड ओनली इफ ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट. लिमिट पॉइंट क्यों? क्योंकि ए डैश जो होता है वो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट होता है. इसका मतलब सभी लिमिट पॉइंट किस में है? सेट ए में है. यही हमें प्रूव करना था कि अगर एक सेट क्लोज सेट है वो अपने सभी लिमिट पॉइंट को जो है वो कंटेन करता है. ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है और ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट थ्योरम है डिराइव्ड सेट ऑफ एनी सेट इज ए क्लोज सेट. मीन्स किसी सेट का डिराइव्ड सेट क्लोज सेट आपको प्रूव करना है. अगर मैं यहाँ पर लेके चलती हूँ ए डैश इज डिराइव्ड सेट ऑफ ए, सो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे प्रूव दैट ए डैश इज क्लोज्ड सेट. और अभी हमने प्रूव किया था जिससे पहले थ्योरम क्या कहता है, कोई भी सेट अगर क्लोज्ड है वो अपने सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है. इसका मतलब अगर ए डैश को हम क्लोज्ड प्रूव कर रहे हैं तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए डैश का डिराइव्ड सेट ए डैश में कंटेन करे. दैट मीन्स ए डैश का डिराइव्ड सेट किस में जाए, ए डैश में. मीन्स ए डबल डैश कंटेन्ड इन सेट ए डैश. यानी ए डैश को आप क्लोज प्रूव कर रहे हो, इसका मतलब ए डैश अगर अपने सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है तो वो क्लोज सेट हो जाता है. ओके, हमें अब ये कंडीशन प्रूव करनी है, थ्योरम हमारी प्रूव हो जाएगी. नाउ यहाँ से हमारे पास दो केस आते हैं. केस फर्स्ट, अगर ए डबल डैश ये सेट अगर फाई है, सो फाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए डैश, क्योंकि फाई तो हर एक सेट का सबसेट होता है. इसका मतलब ए डबल डैश सबसेट हो जाएगा ए डैश का, और ए डैश इज क्लोज्ड सेट क्योंकि ए डैश अपने सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है. सेकंड केस, अगर ये नॉन एम्प्टी है, ए डबल डैश इज नॉन एम्प्टी, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई नंबर होगा, पी बिलोंग्स टू ए डबल डैश. ओके, ए डबल डैश का क्या मतलब है कि ए डैश का डैश, दैट मीन्स हम कह सकते हैं पी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए डैश, क्योंकि ए डैश के डैश में पी पॉइंट बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब पी लिमिट पॉइंट होगा ए डैश में. क्लियर? दैट मीन्स अगर पी लिमिट पॉइंट है ए डैश में, ए डैश का, सो हम पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन, अगर पी की नेबरहुड लें, ए डैश के साथ इंटरसेक्शन करें, पी को निकाल भी दें तो भी नॉन एम्प्टी आएगा. डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं. लेट पी वन बिलोंग कर रहा है पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए डैश में. यहाँ पे हमने क्या कहा कि दोनों सेट के इंटरसेक्शन कर रहे हैं, पी को मैंने निकाल भी दिया तो भी नॉन एम्प्टी. इसका मतलब पी को छोड़ दें तो भी इसमें कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा. वो हम पी वन मान लेते हैं कि पी वन इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में है. दैट मीन्स पी वन बिलोंग करेगा पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन इस सेट में भी, और पी वन जो है वो बिलोंग करेगा ए डैश में भी. क्लियर? दोनों सेट में होगा तभी तो इंटरसेक्शन में जाएगा. पी वन अगर ए डैश में है, इसका मतलब सिंस P1 belongs to A dash, that means P1 is limit point of set A. ध्यान से देखना भाई. Implies that we can say that P1 क्योंकि limit point है A का, so every neighborhood of P, P1, क्योंकि P1 limit point आया है A का, so P1 की हर एक neighborhood contains infinitely मैनी पॉइंट्स ऑफ ए. ए के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट को कंटेन करता है कौन, पी वन की नेबरहुड. लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अब यहाँ पे देखिए भाई, पी वन बिलोंग कर रहा था इस ओपन सेट में, इसका मतलब ये जो है पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन इज नेबरहुड ऑफ पी वन. और हमने कहा जो भी पी वन की नेबरहुड है, एवरी नेबरहुड ऑफ पी वन कंटेन करती है ए के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स को. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पी वन
belongs to P minus epsilon, P plus epsilon contains infinitely many points of A. ओके अगर पी ये नेबरहुड पी वन बिलोंग कर रहा है तो इस नेबरहुड में पी भी तो बिलोंग करता है. हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि पी बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन. इसमें पी एलिमेंट भी तो नंबर भी तो आएगा ना इस नेबरहुड में. सो पी बिलोंग्स टू दिस नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए. तो अगर P की नेबरहुड A के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को कंटेन करती है इसका मतलब P इज लिमिट पॉइंट ऑफ A. बिल्कुल बोल सकते हैं, डेफिनेशन है हमारे पास लिमिट पॉइंट की. P की नेबरहुड जो A के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट को कंटेन कर रही है. P की कैसे आया, क्योंकि P इस नेबरहुड में बिलोंग करता है. P1 की है, P की भी है, तो हम नेबरहुड में बात आती है ना कि नेबरहुड कंटेन कर रही है. एलिमेंट P भी है तो P के लिए लिख दिया, इसका मतलब P लिमिट पॉइंट हो गया. अगर P लिमिट पॉइंट है सो P कहाँ बिलोंग करेगा भाई, P बिलोंग करेगा A डैश में, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ A में. कहाँ पे लिया था आपने P नंबर को, P जो हमने लिया था A डबल डैश में. प्रूफ किसने किया, A डैश में. दैट मीन्स P सॉरी A डबल डैश सेट सबसेट होगा A डैश का. इस सेट में लेके चले थे, प्रूव कर दिया A डैश में, दैट मीन्स A डबल डैश सबसेट ऑफ A डैश. यानी कि A डैश कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट. अगर सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करते हैं इसका मतलब A डैश क्या होगा, A डैश इज क्लोज सेट. यही प्रूव करना था आपको कि डिराइव्ड सेट ऑफ एनी सेट इज क्लोज सेट. नेक्स्ट थ्योरम है प्रूव दैट सुप्रीमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट इज आइदर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द सेट और द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट. अगर किसी सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट, तो वो या तो उसका ग्रेटेस्ट नंबर होगा. ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, अपर बाउंड लेकिन सेट में बिलोंग करना चाहिए, या फिर उसका लिमिट पॉइंट होगा. ओके चलिए भाई लेके जो यह प्रूफ ले करते हैं हम इसका. लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट. अगर बाउंडेड सेट है सो अपर बाउंड भी होगा लोअर बाउंड भी होगा. ओके सो हम यहाँ पे ले लेते हैं बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर सबसेट ऑफ अगर बाउंडेड है नॉन एम्प्टी भी है, बाउंडेड अबव भी है, बिलो भी होगा अबव भी होगा. लेकिन अबव क्यों कहा मैंने, क्योंकि हम यहाँ पे जो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल नंबर. देयरफॉर बाय कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल नंबर्स A has क्या था, अगर कोई सेट बाउंडेड है बाउंडेड अबव एंड नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड अबव नॉन एम्प्टी. बाउंडेड सेट अगर बोला जाए तो अबव भी होता है बिलो भी होता है. ओके सो A has सुप्रीमम. A का सुप्रीमम डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा और वो सुप्रीमम हम ले लेते हैं से U हमने ले लिया है A का सुप्रीमम. अगर U A का सुप्रीमम है डेफिनेशन अप्लाई करें x less than equal to u for all x belongs to a. लीस्ट सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड. अगर u अपर बाउंड है a के सभी एलिमेंट्स उस अपर बाउंड से लेस होंगे या इक्वल हो सकते हैं. ओके नाउ इफ u बिलोंग्स टू, अगर u a सेट में बिलोंग करता है अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड मतलब कि अपर बाउंड ही हुआ. अगर a सेट में बिलोंग करता है देन U is greatest number of A. क्यों, क्योंकि greatest number वही होता है कि अपर बाउंड होना चाहिए और सेट में बिलोंग करना चाहिए, उसको हम greatest number बोलते हैं. एंड अगर U A सेट में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब for each epsilon positive, U minus epsilon, U में से मैंने सम नंबर जो है सब्ट्रैक्ट किया, is not upper bound
अपर बाउंड ऑफ ए, कि अगर u क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, अगर u से छोटा नंबर लेंगे तो वो अपर बाउंड नहीं होगा, अगर अपर बाउंड नहीं है सो u माइनस एप्सिलॉन और u के बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, सो बल्कि लेट कर लेते हैं, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट x1 बिलोंग्स टू a सच दैट u माइनस एप्सिलॉन छोटा हो x1 से और x1 जो है लेस हो u से। कहने का मतलब क्या है कि अगर u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है सो u माइनस एप्सिलॉन के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। ओके अब यहाँ पे देखते हैं, u लेस होगा u प्लस एप्सिलॉन क्योंकि ये नंबर u से बड़ा है, इम्प्लाइज दैट x1 जो हमने लिया किस में लिया, a में, यहाँ से जो x1 है ये लाई कर रहा है u माइनस एप्सिलॉन u प्लस एप्सिलॉन में, सो मैं कह सकती हूँ यहाँ से एंड x1 बिलोंग कर रहा है u माइनस एप्सिलॉन u प्लस एप्सिलॉन इस ओपन इंटरवल में। ओके दैट मीन्स x1 बिलोंग्स टू a सेट इंटरसेक्शन u माइनस एप्सिलॉन u प्लस एप्सिलॉन, चलो ऐसे लिख देते हैं, दैट मीन्स u प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन विद ए, और मैं अगर u को निकाल देती हूँ तो भी नॉन एम्प्टी आएगी क्योंकि इसके इंटरसेक्शन में x1 पॉइंट है जो u के अदर है। ओके दैट मीन्स ये डेफिनेशन किसकी होती है, लिमिट पॉइंट की, u इज लिमिट पॉइंट ऑफ a सेट। क्लियर, द डिराइव सेट ऑफ एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट इज बाउंडेड, यानी आपको दिखाना है कि कोई भी सेट आपके पास इनफाइनाइट और बाउंडेड दे रखा है उसका डिराइव सेट होगा वो भी बाउंडेड होना चाहिए। ओके लेट ए बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर, ए हमने लिया इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट, अगर इन्फाइनाइट और बाउंडेड है सो बाय बुलजानो वेस्टर्स थ्योरम, वेस्टर्स थ्योरम क्या स्टेटमेंट थी वही, एवरी इन्फाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर हैज अ लिमिट पॉइंट, ए अगर इन्फाइनाइट बाउंडेड है तो बुलजानो वेस्टर्स थ्योरम कहती है कि उसका लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, ए हैज लिमिट पॉइंट, अगर लिमिट पॉइंट है इसका मतलब a डैश मेरे पास नॉन एम्प्टी आएगा क्योंकि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट में कम से कम एक पॉइंट तो जाएगा, सो a डैश नॉन एम्प्टी आ चुका है भाई। लेट a डैश अगर नॉन एम्प्टी है और हमें सेट a क्या दे रखा है भाई, बाउंडेड की ओर हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, एज a इज बाउंडेड सो x lies between k1 and k2 for all x belongs to a, जो एलिमेंट्स हैं a सेट के वो k1 और k2 जो नंबर्स के बीच लाई करेंगे। ओके अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि कोई भी y नंबर ग्रेटर देन k2, हमने कहा a सेट के नंबर k1 और k2 के बीच में ही लाई करेंगे, K2 से बड़ा मैंने Y नंबर लिया, Y belongs to any real number greater than K2, then Y plus 1 और K2 से स्टार्ट कर लेते हैं, मीन्स यहाँ पे हम ऐसे ले रहे हैं दिस इज K1, K2 और इसके बीच में हमारे पास A सेट के नंबर हैं, ठीक है, और Y नंबर मैंने यहाँ पे लिया, देन Y plus 1 दस, सो Y की नेबरहुड K2 से Y plus 1। ओके अगर ग्रेटर लेते हैं देयर फोर के टू वाई प्लस वन, अगर मैं ये ओपन इंटरवल लेती हूँ कहाँ से कहाँ तक नंबर, के टू से वाई प्लस वन, किसकी नेबरहुड है, वाई की नेबरहुड इज नेबरहुड ऑफ वाई डज नॉट कंटेन्स एनी नंबर ऑफ ए, क्योंकि ए सेट के नंबर तो यहीं तक रह लेते हैं ना, यहीं तक आ जाते हैं के वन से के टू तक, इसके बाद ए सेट के नंबर नहीं है, सभी के सभी नंबर के टू से लेस है या के वन से ग्रेटर है। ओके अगर यहाँ तक आते हैं हमारे पास और हमने कहा कि ये अगर मैं वाई की नेबरहुड लेती हूँ ओपन नेबरहुड, तो इसमें तो ए का कोई भी नंबर नहीं गया, दैट मीन्स
y is not limit point. y a का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इस y की नेबरहुड a के किसी भी नंबर को कंटेन नहीं करती है, इनकी इंटरसेक्शन फाई आएगी, सो इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा. ओके, सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि नो रियल नंबर ग्रेटर देन k2 इज लिमिट पॉइंट ऑफ a. कि k2 से ग्रेटर नंबर लेंगे कोई भी, वो a का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा. ओके, एंड सिमिलरली हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, नो रियल नंबर लेस देन k1, अगर k1 के लेफ्ट में नंबर लेते हैं, सो लेस देन k1 इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ a. ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एक का लिमिट पॉइंट हो जो कि k1 से लेस आ जाएंगे. इसका मतलब सभी लिमिट पॉइंट कहाँ से कहाँ तक रहे, सेट ऑफ क्लोज इंटरवल k1 k2 इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट. क्लियर? अगर यहाँ पे मैं लेके चलूँ कि t बिलोंग्स टू k1 एंड k2 सेट, दिस इज सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ a. ओके, यानी कि जो a डैश है वो क्या आ गया, क्लोज इंटरवल k1 k2. ओके, अगर t नंबर यहाँ ए से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स t लाइज बिटवीन k1 एंड k2 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू सेट a डैश, जिसमें हमारे पास a डैश के सभी नंबर एग्जिस्ट करते हैं. ओके, इसका मतलब a डैश के नंबर k1 और k2 के बीच लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स a डैश इज ए बाउंडेड सेट. यही आपको प्रूव करना था कि ए का जो डिराइव्ड सेट होगा वो बाउंडेड सेट होगा. ओके, सो ये कुछ थ्योरम थी भाई जो डिराइव्ड सेट बेस्ड थी. नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की जो थ्योरम्स हैं, कल शायद सभी थ्योरम्स हम कवर कर लेंगे. सो आज इनको ट्राई कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो थ्योरम्स उनको कवर करेंगे और फिर एक्सरसाइज 1.2. सो इनको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.